हेलो दोस्तों, वेलकम टू द ब्लॉग। और शाम के करीबन 7 बज रहे हैं, मैं आया हूँ ऑफिस से और अब सोच रहा हूँ कि जिम चला जाऊँ। अभी जस्ट ही 2-3 दिन पहले मैंने स्टार्ट किया है जिम, लेकिन ऐसा लग रहा है कि करूँ या ना करूँ। मैंने चैलेंज तो लिया था कि डेली जाऊँगा, लेकिन अभी फिलहाल उस दिन से मैं कंटिन्यू जा रहा हूँ। सैटरडे से मैंने स्टार्ट किया था और मैंने सोचा कि डेली ही जाऊँगा और जा भी रहा हूँ, कल भी गया था। लेकिन इनिशियल डेज में इतना पेन होता है ना, इतना दर्द होता है कि जाने का मन ही नहीं कर रहा है। और अभी मैं पूरे दिन ऑफिस में, आज इतना ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल था कि मैं करते करते थक गया हूँ और ऐसा लग रहा है कि जाके बस सो जाऊँ और कुछ ना करूँ। और ऐसे फील हो रहा है कि जाऊँ बस लेट जाऊँ और बस जाके सो जाता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि आपको अगर कुछ पाना है तो आपको कुछ खोना भी पड़ेगा, तो वही वाला हाल मेरे साथ भी हो रहा है। मैं खुद को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे चला जाना चाहिए और एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन एक मन ये भी कह रहा है कि नहीं, बस जाके बस रेस्ट कर लूँ। तो मैं एक जॉब करता हूँ और मेरी जॉब स्टार्ट होती है सुबह 9 से लेके 6 बजे तक, और 6 बजे मैं जैसे फ्री हुआ हूँ मैं फटाफट आता हूँ। मुझे आधा एक घंटा लगता है आने के लिए घर, और आने के बाद में अब मैं सोच रहा हूँ कि जिम चला जाऊँ। तो बस यही है, दिल और दिमाग के बीच में ना संघर्ष चल रहा है कि क्या करना चाहिए। दिल कह रहा है कि जाके बस लेट जाओ, दिमाग कह रहा है कि नहीं, जाकर ट्रेन करो बॉडी को और फिट रहो। तो ये होता है, हम सभी के साथ में अक्सर ऐसा होता है कि आप कुछ प्लान शेड्यूल बनाते हैं और आपका वो काम वर्क नहीं करता है। तो आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान देना चाहिए कि देखिए, बॉडी हमेशा कंफर्ट ही चाहती है। बॉडी नहीं चाहती है कि आप कुछ करो, कुछ जाओ या कहीं और एक्सरसाइज करो, कुछ भी नहीं। बॉडी कहती है कि आप जाके बस बिस्तर पे जाके पड़े रहो और कुछ नहीं करो, काम वाम छोड़ दो, बस लेटे रहो। लेकिन हमें उस कंफर्ट जोन में आराम तो आता है, लेकिन उसका आउटकम कुछ नहीं है। उस कंफर्ट जोन में आपको कोई फ़ायदा ही नहीं है। मैं मोटिवेशनल लेक्चर दे रहा हूँ, लेकिन मैं ये खुद को मोटिवेट कर रहा हूँ कि मुझे खुद करना है, तो इसलिए मैं खुद को, आप लोगों के सारे, मैं अपने आप को मोटिवेट कर रहा हूँ क्योंकि फिलहाल तो मैं अभी कैमरे में देख रहा हूँ और कैमरे में मुझे, मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ। तो एक तरीके से मैं खुद का मोटिवेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि मेरी बॉडी कह रही है कि जाकर लेट जाओ, आराम रेस्ट करो और जाके बस सो जाओ, क्योंकि दिन भर काम कर लिया, अब थक गए हो, अब बस कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दिमाग कह रहा है कि नहीं, जाके एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि जो तुमने गोल सेट किया है वो तो जाके आपको करना ही चाहिए। तो यही जंग चल रही है, तो दिमाग और दिल के बीच की लड़ाई में मुझे ऐसा लग रहा है दिमाग की सुननी पड़ेगी, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ भी एक गोल सेट किया है कि मुझे जाके एक्सरसाइज करनी है, और इसी बहाने कम से कम आप लोगों से सेट किया, तो कम से कम यही कर लेता हूँ कि हाँ, लोगों को दिखाना भी है कि हाँ भाई, मैंने कुछ सेट किया था तो मैं अचीव भी कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं जा रहा हूँ जिम, ना चाहते हुए भी। अगर आप लोग भी ऐसा कुछ कर रहे हो और ऐसा कुछ अगर आपने प्लान किया है तो आप भी जाओ, करो, दिमाग की सुनो, दिल की थोड़ी कम सुनो, क्योंकि दिल हमेशा बहुत जगह पर गलत होता है। तो इसीलिए दिमाग की सुनो, एक्सरसाइज करो, बॉडी बने ना बने वो बात की चीज़ है, लेकिन एक टाइम शेड्यूल मेंटेन होना चाहिए कि आप वो काम कर रहे हो। क्योंकि होता है ना कि बॉडी बनेगी नहीं, बॉडी तो अपने आप बन जाएगी, वो आपका सेकंड कहते हैं ना, वो आपका मेन गोल नहीं है। मेन गोल है कि आपको डिसिप्लिन रहना है, जो कि मैं नहीं हूँ, और मैं भी चाह रहा हूँ कि मैं डिसिप्लिन हो जाऊँ। तो मैं जा रहा हूँ अपने आप को, खुद को डिसिप्लिन मेंटेन करने। आप भी जाओ, और जो भी चीज़ कर रहे हो, भले जरूरी नहीं कि आप जिम कर रहे हो, जो भी चीज़ें कर रहे हो, चाहे आप जो भी चीज़ आपने गोल ले रखा है, पढ़ने का, कुछ करने का, किसी चीज़ के बारे में, ट्रेनिंग के लिए, डांसिंग के लिए, कुछ भी अपने गोल पे जाकर वर्क करो। बॉडी हमेशा आपको पीछे खींचेगी, लेकिन दिमाग हमेशा आपको आगे रखना है। चलो जिम चलते हैं, देखते हैं क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं।